तो ये जो हम लोग ने कहानी देखी इसका नाम था आम का बंटवारा, है ना। इसमें जो लड़की थी उसका क्या नाम था? मीना। और जो मीना का भाई था? राजू। अच्छा, मीना के घर में कौन कौन लोग थे? हाँ, और उसका भाई, और भी लोग तो थे, मिट्टू और गाय रानी। ठीक है, तो हाँ मम्मी हो गया था, ठीक। हाँ मुर्गी भी थी, है ना। कौन? एक छोटी बिट्टी भी थी, छोटा बच्चा था ना, एक कोई लड़का या लड़की, जो भी, एक लड़का और लड़की में भी कोई था छोटा सा। ठीक है, तो जो उसकी पहले जो दादी है उसकी, बड़ी वाली मुर्गियाँ, छोटी वाली मुर्गियाँ सब थी। ठीक, अब हमको ये बताओ कि जो उसकी दादी थी वो क्या दोनों बच्चों को बराबर बराबर खाना देती थी? क्या करती थी वो? क्यों, ऐसा क्यों करती थी? हाँ, तो जैसे मान लो अनुज बड़ा हो रहा है तो क्या अंजलि नहीं बड़ी हो रही है? तो दोनों लोग को बराबर खाना मिलना चाहिए कि कम ज्यादा? हाँ, और अंजलि को कम दिया जाता है क्या? मम्मी ऐसा करती है क्या? नहीं करती है ना। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों को उनके शरीर के हिसाब से जरूरत पड़ती है खाना खाने, है ना अंजलि? पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं कि मम्मी तुम्हें कम प्यार करती है, अनुज को ज्यादा करती है, ना ऐसा तो नहीं। हाँ चलो, फिर तो बराबर हो गया। हाँ अल्लो, तो पापा अगर तुमको थोड़ा सा, हाँ, तो फिर तो मार पड़ेगी, और क्या, शैतानी करने पे तो पड़ती है मार, है ना अंजलि? ठीक है, बैठो बैठो वहां पे, बैठो अपनी जगह पे बैठो। अब हमें ये बताओ कि जब दादी को ये लगा कि नहीं, लड़के को ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, खाना भी ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, दादी को ऐसा लगता था, लेकिन फिर उन लोगों ने इसको, दादी को समझाने के लिए क्या रास्ता निकाला? हाँ, और पढ़ने के लिए भी वो जल्दी से बस राजू के लिए ही कहती थी कि राजू स्कूल चले जाओ। पहले अपने यहाँ भी ऐसे ही होता था, लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। अभी भी बहुत जगह पर ऐसा है जहाँ पे सिर्फ घर में जो लड़के हैं उनको पढ़ने भेजा जाता है और लड़कियों को नहीं भेजा जाता। तो तुम लोग बताओ हमें कि क्या ये बात सही है ना? क्योंकि लड़कियां भी तो पढ़ने का हक रखती है ना, उनको भी तो आगे नौकरी जो भी मन होगा वो बनने का, किसी को वकील बनना होगा, किसी को पुलिस में जाना होगा, उनका भी तो मन होता होगा, है ना, और क्या, कॉलेज जाना होगा। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए हमें कि उनको पढ़ने का हम मौका ही ना दें, है ना। दोनों को बराबर स्कूल भेजना चाहिए, क्या पता लड़की ही ज्यादा पढ़ने में तेज हो जाए। हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना। तो फिर उन लोगों ने एक दूसरे का काम किया, तो जो मीना थी वो भी बाकी काम तो अच्छे से कर रही थी, लेकिन गाय को संभालने का काम अच्छे से राजू कर पाता था, तो मीना उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाई उतना। ठीक, और राजू क्या कर रहा था? कहीं बर्तन फोड़ रहा था, कहीं बेहोश होके गिरा जा रहा था, हाँ यही सब करते घूम रहा था, क्योंकि वो, हाँ क्योंकि वो लगातार काम कर रहा था बिना रुके, जैसे मीना करती थी। लेकिन मीना उस काम को खुशी खुशी कर लेती थी, क्योंकि उसको वो रोज करना। हाँ, मटके में पानी भर के लाया, चूल्हा जलाया, कपड़े धोए, सब किया। हाँ बेहोश हो गया, थक गया, इतना काम करते करते ज्यादा पसीना निकला, एकदम से वो बेहोश हो गया। ठीक, तो ज्यादा काम किसके ऊपर पड़ गया? राजू के ऊपर ज्यादा पड़ गया, जबकि मीना वही काम करती थी तब उसकी दादी कुछ नहीं कहती थी, तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उन्होंने, हाँ तब उन्हें समझ आ गई कि नहीं, हमको दोनों को बराबर खाना भी देना चाहिए, प्यार भी बराबर, पढ़ने के मौके भी बराबर, सब चीज बराबर होनी चाहिए। हाँ ठीक, तो ऐसा अपने अपने घरों में भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये कहानी हमें यही बताती है ना। वो तो अभी छोटी है इसलिए, लेकिन मन में हमेशा ये चीज समझो कि मतलब हमको बराबर
जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो तुम्हें नहीं। अब तो लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, है ना, कोई पर्वत चढ़े जा रही हैं, उनकी कहानी सुनाई थी अरुणिमा सिन्हा जी की, तो वो है ना सब कोई करते, पायलट बन जाती हैं, हाँ जिनके पैर गड़बड़ हो गए थे, है ना। तो ये कहानी बढ़िया लगी, हमने क्या सीखा इस कहानी से, टेसु राजा भी सुनाएंगे, दोनों लोग बराबर होते हैं। और एक चीज और सीखी हमने कि कोई भी ऐसा नहीं है कि खाना बनाने का काम सिर्फ कार्तिक कार्तिक हाँ वेरी गुड। और क्या, ज्यादातर हलवाई तो लड़के ही देखे हैं हमने, है ना। हाँ तो कोई काम जो है, वेरी गुड, तो जो जो कोई भी काम है, अब इधर सुनो 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 सुनो, कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि ये लड़कों का ही है और ये लड़कियों का है, मिल मिल के कर लेना चाहिए, ठीक। और हाँ, जहां मान लो जैसे अंजलि छोटी है, तो मान लो उसको कोई चीज ऊपर से उतारनी है या कोई भारी चीज उठानी है, ठीक, तो अनुज उसकी मदद कर सकता है उसमें, है ना। नीतू बड़ी है, हर्षित छोटा है, तो नीतू उसकी मदद कर सकती है। तो उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम ही ये काम करो, या हम लड़के हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई काम लड़की और लड़के में बटा नहीं होता है, ठीक। तो ये कहानी अच्छी लगी, मजा आई सबको, चलो ठीक है। नाम ध्यान रखना, मीना और राजू, टेसु राजा सुना दे बस, ठीक है, टेसु राजा सुना दे।